करेंगे। एक साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, ताले बंद कराएंगे। हमारा थोड़ा सा बताइए सर। सुबह में हम लोगों ने एक डबल डेकर प्रोसेस सीपीयू बनाया, फिर रैम बनाई, वो सब कंप्लीट किया। फिर दोपहर के बाद में कंपोनेंट की क्लास थी, कंपोनेंट में आज के दो अलग से कंपोनेंट थे, उनको कंप्लीट क्लियर किया। और दोपहर के बाद में फिर से प्रैक्टिकल अभी तक हमारा चल रहा है। फिर पावर आईसी भी हम लोगों ने रिवॉल्व करके फिर से बोर्ड पे लगाई। सर सुबह सुबह 8 बजे आए, उसके बाद पहले डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व कराए यूनिवर्सल एक्सटेंशन से, फिर पावर करे क्वालकॉम सीपीयू करा और रैम भी करा। फिर उसके बाद हमारी कंपोनेंट्स की क्लास हुई जी, जो सारे कंपोनेंट्स क्लियर हो गए, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं थे। सिर्फ हमें ये पता था कि बीप बज रहा है तो उसे उखाड़ना है। क्या लेवल से पढ़ाया सर ने? सर क्या ही बोले, जीरो लेवल से, बिल्कुल ही। आप बिल्कुल जीरो पे रख के पढ़ाते हैं सर? यस सर। आपको कुछ भी नहीं आता इस जीरो लेवल पर? यस सर। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है मुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहे से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू,
सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहे तो खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। तो फाइनली आज हमारे दूसरे दिन की क्लास है। अपना नाम और आप कहाँ से? सर मैं इंदौर से हूँ। मेरा नाम इरफान शेख है और आज हमको कंपोनेंट के बारे में बताया गया है। रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट और ऑल कंपोनेंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में कॉइल वगैरह सब बता दिए। ओके, सुबह मॉर्निंग में क्या किया दूसरे दिन क्लास? डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व सेकंड डे में। सेकंड डे में कर लिया जी। हाँ सर। आपने उसके बाद जो आपने डुअल डेकर सीपीयू को यहाँ पे रिवॉल्व किया, इससे पहले किया था क्या? नहीं नहीं सर, कभी नहीं किया। कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम किया यहाँ पे। बिल्कुल फर्स्ट। कोई भी चाहे डुअल डेकर हो, कोई भी आईसी हो, बड़ी बिल्कुल जबरदस्त कॉन्फिडेंस भी मिला मेरे को यहाँ पे काफ़ी, और सिखाने का ट्रिप वगैरह बहुत शानदार है सर। ओके, उसके बाद में बात करूँ यहाँ पे कॉम्पोनेंट की क्लास कैसी रही सेकंड डे? जबरदस्त रही। कॉम्पोनेंट के बारे में तो समझते ही नहीं थे पहले, लेकिन आज सब कुछ समझ गए। कॉइल कॉइल रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ। बताइए क्लास में मॉर्निंग में क्या किया आप? मॉर्निंग में ये सब पढ़ाई। मॉर्निंग सुबह जब आप आए 8 बजे आए? 8 बजे तो आईसीयू है, रिबॉल किया था। रिबॉल किया था। अब चाहे छोटी आईसी हो, बड़ी आईसी हो, पावर आईसी हो, WTR हो, CPU हो, कोई सा भी आईसी हो, उसको आप अच्छे से रिबॉल कर पाएंगे? हाँ, कोई भी आईसी दे तो मैं रिबॉल कर सकते हैं। रिबॉल कर सकते हैं? हाँ जी। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छा जी। फिर दियो सर के साथ कैसी रही कॉम्पिटेंट क्लास? हाँ, बहुत एक्सप्लेन किया था वो सब कंपाउंड का जी, बार में कैसे चेक करना है, कैसे कैसे काम करता है, सब अच्छा एक्सप्लेन किया था। दो दिन की क्लास कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा है। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, उसका नाम और क्लास है। सर मैं मयूर भाई हूं, सूरत से, गुजरात। मयूर जी बताइए आज दूसरे दिन की क्लास कैसी रही? आज बहुत बढ़िया सर क्लास रही। सुबह में भी हम लोगों ने आईसी और सीपीयू डबल डेकर सीपीयू रिबॉलिंग किया। ओके। वो भी कंप्लीट हो गया। कोई भी सीपीयू या डबल डेकर कुछ भी रिबॉलिंग कर सकते। सीपीयू तक पहुँच गए? हाँ, दो दिन में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अब चाहे सीपीयू हो कि पावर हो, चाहे कोई सी भी छोटी बड़ी आईसी हो, कोई भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कोई भी सर, डबल डेकर कर दिया दूसरे दिन में, तो अब छोटी आईसी तो बाएं हाथ का काम रह गया सर। ओके, उसके बाद कंपोनेंट की क्लास कैसे रही? कंपोनेंट की क्लास बहुत अच्छी रही सर, डीप से पूरा नॉलेज मिला। रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, बूस्ट कॉइल, बूस्ट कॉइल, बफर कॉइल, सब पूरा पूरा नॉलेज मिला। सब चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे टोटल पूरा, ये पीसीबी नया है, एक एक पार्ट चेक कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। ओके। अपना नाम और आप कहाँ सर? मैं दिलीप चौधरी, मैं नेपाल से हूँ सर। दिलीप जी, दूसरे दिन में सुबह मॉर्निंग में क्या किया आज? दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में आज 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 सर मैंने डबल डेकर वो सीपीयू को रिबल किया जी, और वो पावर आईसी 4G पावर आईसी को रिबल किया सर जी। तो अगर मैं बात करूँ उसके बाद फिर देव सर के साथ कॉम्प्लेंट क्लास कैसी रही? एकदम मस्त सर। मस्त मतलब अब जितने भी बोर्ड में कॉम्प्लेंट हो गए उसकी काम, उसकी पहचान, उसको सीरीज में पैलर में लगा पहचान पाएंगे? यस सर। तो अभी आप यहाँ पे इससे पहले चाहे छोटी आईसी हो, बड़ी आईसी हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो आपका WTR हो, कोई सी भी आईसी रिबॉल कर पाएंगे? कर लेंगे सर। अभी दो दिन में आईसी लेवल पे काम करके कैसा लग रहा है? एकदम मज़ा आया सर। इससे पहले कर पाते थे? नहीं सर। तो अभी कैसा लग रहा है? एकदम मज़ा सर। चलिए ठीक है। शुभम शर्मा मेरा नाम है, मैं पंजाब जलंधर से। शुभम जी बताइए सुबह क्या किया आपने दूसरे दिन? सर आज यूनिवर्सल से स्टेंसिल से मैंने 5 आईसी रिवॉल्व किए, मैंने ड्यूल डेकर भी किए, मैंने ड्यूल डेकर पावर आईसी एंड CPU 3 तरीके के। नो सर, फर्स्ट टाइम किया। फर्स्ट टाइम किया? यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बिल्कुल। यस सर, थैंक यू। इतनी अच्छी मिली। यस सर। क्लास कैसी? बहुत अच्छी रही सर।
कॉम्पोनेंट आज हमारा कंप्लीट हो गया, डायोड हो, कॉइल हो, रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, जो भी कंपोनेंट है आप पहचान जाएंगे उसको? यस सर बिल्कुल पहचान जाएंगे। यस सर बिल्कुल सही है, कितने वैल्यू का है, कितने वैल्यू। यस सर सब पहचान जाएंगे। कैसी लोग बोला उनका? मैं सूरज दिल्ली से। सूरज जी दिल्ली से हैं जी? दिल्ली को आप बहुत सारी वहाँ पे क्यों नहीं गए? मतलब जबलपुर क्यों? सर वीडियो देखी थी, अच्छा लगा, किस लिए आए? अच्छा लगा इसलिए। तो अभी दो दिन की क्लास हुई थी, जो आपका डिसीजन था अच्छा लगने का, क्या वाकई में वो चीज़ हुआ जो सोचा था वही है, उससे अच्छा है? दो दिन में आपने लाइव सीपीयू और पावर सब छोटी या कोई भी आई सी उसको आप रिवॉल्व कर पाए? हाँ जी। उसके बाद देखो कैसे कॉम्पोनेंट निकला? कॉम्पोनेंट तो एंडलेस हो गया, कंपोनेंट सारे खत्म हो गए। सारे खत्म हो गए, किसी भी जरूरी कॉम्पोनेंट अगर उसको पहचान जाएंगे? बिल्कुल, देख के काम को पहचान जाएंगे बिल्कुल। उसकी वर्किंग क्या है वो सब कुछ कर पाएंगे? सब कुछ। कैसे रही दो दिन की क्लास? बहुत बढ़िया था। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं हरियाणा। मेरा नाम सोनू, मैं हरियाणा से। सोनू जी आज लगता सुबह खाना नहीं खाया? नहीं सर खाया ना। खाया तो थोड़ा तेज बोलिएगा। तो बताइए आज सुबह मॉर्निंग में क्या किया? सुबह मॉर्निंग में कंपोनेंट्स के बारे में जाना, सर ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। आप एज अ फ्रेशर हैं बिल्कुल भी इस फील्ड में, आप चेंज नहीं, जैसा कि हम डेली आपसे बात करते हैं। हाँ जी सर। एज अ फ्रेशर आपने सुबह किसी बड़ी आईसी पे काम किया? ये सर आईसी रिबॉलिंग की थी आज सुबह सुबह, डबल टैंकर डबल टैंकर। हाँ जी सर। आप तो बिल्कुल फ्रेशर हैं, ये सर पॉसिबल है? सर का दया, सर सर ने आशीर्वाद दिया सुबह सुबह। टेलीकॉम का ट्रिक बेस्ट है कि नहीं? बहुत बेस्ट है, आना चाहिए सब। वीडियो सर के साथ कंपोनेंट की क्लास कैसी है? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी है। प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं? हाँ जी, तीन मिनट में कंपोनेंट के बारे में बता दीजिए। ओके, तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट जो आपको बोर्ड मिल रहा है वो फ्रेश बोर्ड है? हाँ जी फ्रेश है, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए जा रहे हैं। हाँ जी। हाँ चलिए ठीक है। आपका नाम और आप कहाँ से हैं? हरदीप सिंह पंजाब। प्रदीप? हरदीप सिंह। हरदीप जी, हरदीप जी बताइए आज दूसरे दिन क्लास हो रही है, ऐसा तो नहीं हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं और केवल रिव्यू एक आपसे ले रहे हैं? देखिए रिव्यू हम इसलिए ले रहे हैं कि आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। जी जी। इससे ये भी तो पता चलता है कि हम लाइव भी हैं यहाँ पे, देख सकते हैं हम यहाँ से लाइव भी हैं, लाइव भी हैं यहाँ पे, तो लाइव में तो झूठ नहीं बोल सकते जी। अगर आपने कुछ सीखा है किया है तभी तो आप बताएंगे। जी जी बिल्कुल। आपने सुबह आपने आईसीयू पे काम किया? बिल्कुल सर, आईसीयू पे रिकॉर्ड किया हमने, उस पे काम कर लिया, सीपीयू पे 5 ऐसी पी यू रिव्यू कर ली। तो इससे पहले करते थे आप? नो सर। अभी फिर देव सर के साथ कॉम्प्लीट क्लास कैसे रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो अभी आपने कल रिवॉल्विंग सीखा है, कल आपका माउंट टू माउंट की क्लास होगी, एक चालू फोन से कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं सारा कुछ जी। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है? पूरा पूरा टाइम मिल रहा है। मैं गुड्डू कुमार, बिहार समस्तीपुर से। गुड्डू जी बताइए आज क्लास में क्या किया आपने? सुबह कंपोनेंट थी, सुबह आए तो आईसी रिवॉल्व किए सीपीयू। कितने पहले से काम करते थे आप रिवॉल्विंग करते थे? नहीं सर नहीं करते थे। कितने आईसी पे काम कर लिए सुबह? 5-6 आईसी को रिवॉल्व किए, पावर से कर लिया, पावर से लेके ड्यूअल टेकर तक। तो ये किस स्टेंसर से किए? मल्टी स्टेंसर। यूनिवर्सल से किया? हाँ यूनिवर्सल से। सर ने प्रॉपर स्टेंसर दिया था? नहीं सर यूनिवर्सल से। पॉसिबल है? पॉसिबल है सर। तो अभी उसके बाद में बात करूँ आपसे, जो सर के साथ कॉम्प्लेंट की क्लास करती है? बहुत अच्छी। कॉम्प्लेंट में जितने किसी को कॉम्प्लेंट है उसको पहचान पाएंगे? हाँ सर। अच्छे काम को पहचान जाएंगे? हाँ सर। उसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, क्या सोल्यूशन करना है, ये भी कर पाएंगे? कैसे भी ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छी। ठीक है। ये हम तेलंगाना से हैं। तेलंगाना से हैं, तो बताइए आज दूसरे दिन क्लास में क्या क्या किया आपने? सुबह सीपीयू के और गोल्ड प्लेट का, ग्लास का है, हम पहचान ही नहीं करे, हम तो डैमेज हो जाती है या हम तो खाली सोल्डरिंग वायर से करा लिया, ये तो बहुत बेहतरीन ट्रिक बोले मेरे को, हम तो करा लिया। उसके बाद देव सर के साथ कॉम्प्लेंट क्लास कैसी रही? अच्छा है,
एकदम मस्त। तो अभी पीसीबी भी देखने का जो नजरिया होता है वो वाकई में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, बोर्ड में जितने भी कॉम्पोनेंट लगे हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, बूस्ट कॉइल, बक कॉइल, सारे कॉइल, डुअल कॉइल, ये सारा कुछ हम पहचान पाएंगे? यस सर, आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे? यस सर। चलिए ठीक है। हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आप कहाँ से? अब्दुल खान फ्रॉम आसाम सर। अब्दुल जी बताइए, आज दूसरे दिन क्लास में मैं इनके लिए बताना चाहता हूँ, ये एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है। फ्रेशर है बिल्कुल भी आप? पूरा फ्रेशर। अभी भी दो दिन में कैसा लग रहा है, अभी फ्रेशर फील कर रहे हैं अभी अपने आप? नहीं, अभी तो लग रहा है कि मैंने बरसों से काम किया। इनको बोला फ्रेशर फील नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने आज क्या किया सुबह मॉर्निंग बताइए? सर मैंने जो पावर आई सी है छोटा सा जी, उसको आज मतलब वर्क किया था। पावर आई सी सर मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया। ओके, इसके बाद आपने बड़ी आईसी पे भी काम किया? हाँ, जो डुअल डेकर होता है दोनों साइड पे जो होता है ना, वो भी कर दिया। इससे पहले पता था डुअल डेकर क्या होता है? नहीं, मुझे पावर आईसी डुअल डेकर कुछ मालूम ही नहीं। तो अभी एक ही दिन में मालूम हो गया और एक ही दिन में कर दिया। कॉम्पिटेंट क्लास कैसे है? हाँ सर, देव सर का सब बहुत अच्छा था और अभी तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, प्रणाम, और आप कहाँ से? सर मेरा नाम उत्तम साहू है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। सर उत्तम जी बताइए, आज दूसरे दिन की क्लास हुई है, तो बताइए दूसरे दिन क्लास में आपने क्या किया मॉर्निंग से? सर मॉर्निंग सर 8 बजे सर हम क्लास में आए थे जी। हमें सर यूनिवर्सल स्टेंसर कैसे रिवॉल्विंग करें उसका सर ने ट्रिक दिया हमें। उसी ट्रिक से हमने ग्लास आईसी पावर ग्लास आईसी आईसी पहले रिवॉल्विंग किए, उसके बाद सीपीयू किए, उसके बाद सर डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्विंग किए। ओके, तो डबल डेकर तक आपने रिवॉल्व किया यहाँ पे? यस। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिर देव सर के साथ कॉम्पिटेंट क्लास कैसी रही? बहुत अच्छा रहा। हर एक चीज़ जो सर ने पढ़ाया वो आपको प्रैक्टिकल मिल रहा है? यस सर, आप चेक कर पा रहे हैं? यस सर, कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है। सर उड़ीसा से मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी बताइए, आज आपने सुबह मॉर्निंग दूसरे दिन क्लास में क्या किया? सर मैं डबल डेकर सीपीयू का रिबॉलिंग किया, उसके बाद क्लास में अपना सीरीज में। तो डबल डेकर आईसी में आपने क्या किया, मतलब किस स्टेंसर से किया? प्रॉपर स्टेंसर से या नॉर्मल से? यूनिवर्सल से किया। उसके बाद जो सर के साथ कॉम्पिटेंट क्लास कर पूरे मोबाइल में पीसीबी में अगर कोई कॉम्पिटेंट लगा हुआ है तो $500 क्या काम कर रहा है, किस लिए लगा हुआ है, सीरीज में कैसे लगा हुआ है, जी में लगा होता है जी, से क्यों सीरीज में लगा हुआ है, क्यों पैरेलल में लगा है जी सर। राइट में नाम और आप कहाँ से? मैं तो किशोर कुमार साहू छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। छत्तीसगढ़ से हैं आप, बताइए आज दूसरे दिन की क्लास कैसी रही है? आज हम लोग सुबह आए और यूनिवर्सल जो स्टेंसिल होते हैं उससे आईसी री बॉलिंग करें और डबल डेकर भी किए हैं। ओके, और ग्लास आईसी भी किए हैं। तो ये पॉसिबल है यूनिवर्सल से सारी? जी सर संभव है। संभव है जी। ये आपने ऐसा तो नहीं हमने बोला कि हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर स्टेंसिल लेना? नहीं नहीं, संभव है सर, कर रहा हूँ मैं, संभव है। आप 3 से 4 बार में? ओके, उसके बाद देखो सर की कॉम्पिटेंट क्लास कैसी रही फाइनली? बहुत बढ़िया था सर। सर ने आपको जितने भी कॉम्पिटेंट के बारे में डीप नॉलेज दिया, कैसे उसको फाइंड आउट करना है, क्या कॉम्पिटेंट? जी सर अभी वही फाइंड आउट कर रहे हैं। फाइंड आउट कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं? जी सर। इसमें क्या है, बूस्ट कॉल बक कॉल कैसे पहचानना है सारा पता चला? जी जी। डुअल कॉल कहाँ पे लगे रहते हैं? जी जी, पता चला। पहले तो हमें बक कॉल कितने होते हैं और बूस्ट कॉल किसे कहते हैं ये नहीं पता था, अभी उसकी भी जानकारी हो गई है। चलिए ठीक है। जी सर, करिए सुधीर कुमार से। सुधीर कुमार जी कहाँ से? पुणे से। पुणे से हैं। सुधीर जी बताइए दूसरे दिन क्लास में क्या किया आपने? सुबह आईसीयू वगैरह रिपोर्ट किया, फिर देव सर की क्लास हो गई। तो कोई दिक्कत तो समझ में नहीं आई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई इशूज आ रहा हो या फिर लैंग्वेज में समझ में ना आ रहा? ऐसा कुछ नहीं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देव सर का कॉम्पिटेंट क्लास कैसे? एकदम बढ़िया रहे। बढ़िया रहे। पढ़ाने का तरीका है तो कैसा है? एकदम आसान है। नहीं नहीं, सब जो है जो देख के आए होंगे। एकदम बढ़िया। नाम और अपना से? नितिन वर्मा सर, बनारस से। नितिन जी बताइए, आप यहाँ पे दूसरे दिन की क्लास अभी चल रही है हमारी, दूसरे दिन क्लास आई है। हाँ, कैसे रही आज दूसरे दिन? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सुबह में सुबह में डबल डेकर आईसी डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व किए हैं और पावर आईसी भी रिवॉल्व किए हैं अच्छे से, एक बार में दोनों हो गया, एक बार आराम से। नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। हाँ, एकदम कंपोनेंट क्लास बहुत बढ़िया थी सर, जो वहाँ थ्योरी में बताएं वही इस समय प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एकदम एकदम। दो दिन में बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब एकदम। नाम
जी हम आशुतोष दीक्षित उन्नाव से यूपी यूपी से हैं। तो आशुतोष जी बताइए यहाँ पे क्या कर रहे हो, दूसरे दिन क्लास में क्या क्या किया आपने आज? सर हमने आई सी रिवॉल्व करी, कंपोनेंट की क्लास करी, उसके बाद टेस्टिंग कर रहे हैं। कितने सालों से सर हम हैं? 4 साल से। 4 साल से काम कर रहे थे, तो क्या 4 सालों में ये 2 दिन में जो कॉम्प्लेंट सर ने दिया है क्या इतना डीप नॉलेज था? नहीं जी सर, इतना डीप नॉलेज नहीं था। एक रजिस्टर, कैपेसिटर, डुअल कॉइल, बूस्ट कॉइल, बक कॉइल, नॉर्मल कॉइल कैसे चेक करना है ये सारा कुछ पता चला? जी सर लेटेस्ट जानकारी मिली है यहाँ पे। ओके, टीवीएस डायोड क्या होता है? जी जी, टीवीएस डायोड, जिनर डायोड, ये सब पता चला? सब पता चला। मैं आप बोल पा रहे जी सर, तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आपका? सर मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम विजय है। विजय जी बताइए आज दूसरे दिन क्लास में क्या क्या कराएंगे? सर सारे कंपोनेंट की चेकिंग कराई है। ओके, अब तो बोर्ड में ऐसा कोई कंप्लेंट जो सर ने ना बताया? सर सभी कंपोनेंट बताया है, ऐसा एक कंपोनेंट जी या फिर आपको ऐसा कोई कंप्लेंट जो समझ में ना आ रहा हो, पहचान में ना आ रहा? अब तो देखने के लिए नजर ही बदल गया है, सारे कंप्लेंट पहचान जाएंगे। जी सर। तो अगर हम बात करूँ यहाँ पे, सुबह आपने ऐसी रिपोर्टिंग किया? जी सर मैंने किया था। चाहे वो छोटी आईसी हो, बड़ी आईसी हो या फिर जो भी आईसी हो, चाहे WPR हो, चाहे लाइट आईसी हो, सारे आईसी को रिवॉल्व कर पाएंगे आराम से सर? तो कैसी रही यहाँ की ट्रिक और 2 दिन का पढ़ाने? बहुत बहुत अच्छा सर, समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, साथ एक स्टूडेंट और, नाम और आपका? सर मेरा नाम निकी है, मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से हैं, तो बताइए दूसरे दिन क्लास कैसे चल रही है? दूसरे दिन क्लास आज बहुत अच्छा रहा, सुबह से हम लोग आज सुबह सुबह आ गए, सबसे पहले डबल डेकर पहले रिवॉल्व किए, पावर एसी वगैरह वो भी खाली तो यूनिवर्सल। डायरेक्ट बता रहे हैं डबल टिकर आपने कर दिया? यस सर। पहले तो नॉर्मल एसी किया होगा? यस सर। उसके बाद डबल टिकर? यस सर, वो भी सर यूनिवर्सल रेजिस्टेंस। यूनिवर्सल से किया? यस सर। कोई दिक्कत आ रही थी? सर कोई दिक्कत नहीं। बोलते हैं कि डबल टिकर सीपीयू तो यूनिवर्सल से होता ही नहीं? सर जरूर होता है, करने का ट्रिक होना चाहिए। होना चाहिए, आपने किया है? यस सर। उसके बाद कंपोनेंट क्लास कैसे रही? कंपोनेंट क्लास जो सर ने बहुत अच्छे से समझाया, जितना भी कंपोनेंट है, पहले मदरबोर्ड में हम लोग सोचते थे क्या डाइट कॉइल क्या है, नहीं है किसका वैल्यू क्या है, नहीं आज समझ में आ रहा है कॉइल सिर्फ कॉइल नहीं होता, सबका वैल्यू अलग अलग होता है, हर सेक्शन में अलग अलग होता है। यस सर। राजेश्वर सर, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आज सर मैंने डबल डेकर सीपीयू रिबॉल किया और पावर एसी रिबॉल किया और अब लगता है कि मैं रिबॉल तो सभी आईसी कर लूँगा, कर लेंगे, और अभी कंपोनेंट चेक कर रहा हूँ। तो कंपोनेंट सर ने जो पढ़ाया है आपको, जितने भी पूरे बोर्ड में कंपोनेंट होते हैं, एक्चुअल में कंपोनेंट जो आपको पहचान में ना आ रहा है? नहीं सर, अब मेरे को बोर्ड नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल लग रहा है जी जी। अब वो जैसे जैसे सेक्शन पढ़ते जाएंगे आगे लग रहा है कि वो सीखने को बहुत जी जी वाले वाले काफ़ी अच्छा लगे। तो अभी 2 दिन की क्लास कैसी होगा? बेस्ट है सर, बेस्ट है। प्रैक्टिकल के साथ बेस्ट है कि बस थ्योरी? दोनों सर, थ्योरी बेस्ट है, प्रैक्टिकल भी बेस्ट है। मतलब पहले आपको थ्योरी समझाया जा रहा है, प्रैक्टिकल कराया जा रहा है, तो यही होना चाहिए। जी जी, चलिए ठीक, कंटिन्यू करें। जी सर नमस्कार, मैं गुजरात से हूँ सर जी, और मॉर्निंग की क्लास हमारी सीपीयू की थी सर जी, सीपीयू रिबॉलिंग की क्लास थी, मतलब एक रिबॉलिंग, अब आपकी रिबॉलिंग कंप्लीट हो चुकी है, चाहे वो ग्लास आईसी हो, चाहे वो छोटी आईसी हो, चाहे वो WPR हो, चाहे वो सब पावर हो, चाहे वो डुअल टेकर का हो, चाहे जो भी सभी सीपीयू हो, सारे रिबॉल कर पाएंगे? हाँ सर जी, अच्छे अच्छे रिबॉल कर पाऊंगा। तो यूनिवर्सल से कर रहे हैं कि किसी प्रॉपर स्टेंसर से कर रहे हैं? यूनिवर्सल से कर रहे हैं सर। यूनिवर्सल से कर रहे हैं। कंपोनेंट क्लास कैसे रही? कंपोनेंट का अच्छे से रहे सर, देव सर ने जो पढ़ाया वो अच्छे से दिमाग में पूछा और बहुत बढ़िया बताया। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट आप उसको पहचान पाएंगे? हाँ जी सर। चेक कर पाएंगे? अच्छे से। कैसे रही ओवरऑल क्लास? अच्छे से। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, अपना नाम और आपका? मैं सतीश, छत्तीसगढ़ से। सतीश जी बताइए आज दूसरे दिन क्लास में क्या कर रहे हैं? सुबह सर हम लोग डबल डेकर EMC, डबल डेकर CPU और फर्जी CPU रिबॉल किए एक बार में। पावर छोटी आईसी भी किया जी? ऑलमोस्ट सारी आईसीयां कर ली। चलो किसी को और कोई दिक्कत है? ओके, उसके बाद में बात कर रहे हैं बात देव सर, देव सर से जो है कंपोनेंट की क्लास थी, कंपोनेंट की क्लास थी उसके बाद। ओके, और उसके बाद कंपोनेंट क्लास खत्म होने के बाद जो है हम लोग प्रैक्टिकल किए उसे। तो सर ने जो पढ़ाया वो प्रैक्टिकल में सारी चीज़ें मिल रही हैं? सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छी थी। ठीक है सर, ठीक है सर। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, अपना नाम और आपका? मेरा नाम राजेश है, राजस्थान से हूँ। बोलिए लाउडली बोलिए, मतलब सीखने को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। सुबह आपने क्या किया मॉर्निंग में? सुबह मॉर्निंग हमने जिसकी डबल डेकर CPU किया और
4G की अब ऑलमोस्ट अगर मैं आपसे बात करूँ कोई सी भी छोटी ऐसी बड़ी ऐसी जो भी ऐसी हो उस पर आप काम कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। उसके बाद देव सर के साथ कैसी रही कॉम्प्लेंट की क्लास? बहुत अच्छी क्लास है, उन्होंने हमें थ्योरी क्लब बताया, फिर शाम का टाइम हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल। ये बोर्ड कहाँ से मिले आपको प्रैक्टिकल करने के? बोर्ड ये आईसी टेलीकॉम से दिए। स्ट्रेस बोर्ड है? बिल्कुल। सारे कॉम्पिटेंट है उसमें? तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बढ़िया रही सर। हमारे साथ एक छोटा नाम और खास है। मेरा नाम सुमन प्रामाणिक है, मैं वेस्ट बंगाल से। सुमन जी बताइए आज दूसरे दिन क्लास में क्या किया आपने? सुबह में आईसी रिबल किया। ओके। पावर आईसी। ओके। और बाद में देव सर का क्लास था। ओके। बढ़िया था कंपोनेंट का। ओके। और अभी मैं आई प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो अभी बोर्ड में जितने भी कॉम्पिटेंट लगे हैं उसको आप पहचान पाएंगे? यस सर। चेक कर पाएंगे? यस सर। तो कॉम्पिटेंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है वो डाउट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रही है। हो रहा है। मेरे एमजी सर मेरे को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ओके। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे कि छोटी आईसी बड़ी आईसी जो भी आईसी हो उसको फाइंड आउट कर पाएंगे? यस सर। उसको रिवॉल्विंग कर पाएंगे? यस सर। चलिए ठीक है। अपना नाम और आपका? मेरा नाम पिंटू है, मैं उड़ीसा से। पिंटू जी सर। पिंटू जी बताइए दूसरे दिन क्लास में क्या किया आपने? आज सुबह डुअल टेकर से टूरी बल के। ओके। डुअल टेकर किया? इससे पहले करते थे आप? नहीं सर। डुअल टेकर देखा था? नहीं नहीं। आईसी भी नहीं देखा था? हाँ देखा था, नहीं रिबल नहीं किया था। रिबल नहीं किया था नहीं। तो अभी आज डुअल टेकर रिबल करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। उसके बाद अगर मैं कॉम्प्लेंट की बात करूँ तो कॉम्प्लेंट कैसी रही क्लास? बढ़िया था। तो कॉम्प्लेंट में किसी में जितने भी कॉम्प्लेंट है उसको पहचान पाएंगे? जी सर। क्या काम होता है, कैसे लगे होते हैं, सीरीज में होता है, पैलर में होता है, फाइंड आउट कर पाएंगे? जी सर। कैसे रही ओवरऑल क्लास? बढ़िया। आज देख सर क्लास बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था जी सर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अभी तक की दो दिन की क्लास कैसी रही? बढ़िया था, बहुत बढ़िया। हमारे साथ एक्सपेंट हो रहे हैं, अपना नाम और आपका? सुशांत, महाराष्ट्र सातारा। सुशांत जी बताइए आज दूसरी दिन क्लास हुई है तो सुबह मॉर्निंग में क्या किया? सुबह मॉर्निंग में आए तो पावर आई सी डबल डेकर सी पी यू और 4G आई सी रिबॉल किया। इतना सारा कुछ किया आपने? हाँ किया। पहले करते थे आप? जी नहीं। अब चाहे छोटी आई सी हो, बड़ी आई सी हो, चाहे वो डब्ल्यू टी आर हो, चाहे वो लाइट आई सी नॉर्मल पे हो, तो सारा रिबॉल कर पाएंगे? यस सर। और फिर देव सर के साथ कैसे रही कॉम्प्लेंट? एकदम बेस्ट। तो जैसा बोलते हैं पीसीबी में जो भी आप कॉम्प्लेंट है उसको पहचान पाएंगे? यस सर। उसके काम को पहचान पाएंगे? यस। सीरीज में लगा पैलर में लगा उसको पहचान पाएंगे? यस। कैसे रही दो दिन की? एकदम बेस्ट। बेस्ट रही यहाँ पे? यस। प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है? यस सर। वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से हैं तो बताइए आज दूसरे दिन क्लास में क्या क्या किया आज आपने? डुअल डेकर आई सी रिबॉलिंग किया। ओके। और पावर आई सी रिबॉलिंग किया। ओके। और सीपी रिबॉलिंग किया। सीपी रिबॉल किया आपने। अब चाहे रिबॉलिंग में कोई डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है तो उसके बाद फिर जैसा के साथ कॉम्प्लेंट की क्लास कैसे रही? अच्छी रही। अब कॉम्प्लेंट आपको किसी में जो भी कॉम्प्लेंट होगा ऐसा सर जो पहचान में ना आ रहा हो सारे पहचान में आ रहा है, कैसे रही ओवरऑल क्लास? प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है यहाँ पे? हाँ। ऐसा तो नहीं केवल आधा एक घंटे प्रैक्टिकल चला रहा है, फुल प्रैक्टिकल चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, कंटिन्यू करें। अपना नाम और आप कहाँ से? बिहार से। अच्छा से। अच्छा जी बताइए आज दूसरे दिन क्लास में क्या क्या किया आपने? आज सबसे पहले मैंने डबल डेकर सीपीयू बनाया। ओके। रिवॉल्व किया, उसके बाद फिर पावर आईसी। ओके। उसके बाद सीपीयू। ओके। ये तीनों रिवॉल्व किया, उसके बाद फिर देव सर के साथ क्लास हुए। ओके। जिसमें कि कॉइल डायोड और कॉइल डायोड ये सब कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिली और फिर प्रैक्टिकल अभी हो रहे थे। प्रैक्टिकल हो रहा है, पहचान पा रहे हैं? हाँ। अब सर कोई भी आईसी उसको आप रिवॉल्व कर पाएंगे? हाँ। किस यूनिवर्सल? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से सारे आईसी? हाँ, कर पाएंगे सारे। ऐसे तो नहीं दिक्कत होगी आपको? नहीं, नहीं, नहीं। की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर। कर पाएंगे सारे? हाँ। तो कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत अच्छी रही सर। हमारे साथ एक्सपर्ट और अपना नाम हो रहा सर? गौरव सिंह, यूपी से। गौरव जी बताइए क्लास में क्या क्या किया जाए? सर मैंने तो डबल डेकर को किया और पावर मॉर्निंग में आपने किया? जी सुबह मॉर्निंग में। और कंपोनेंट के बारे में बताया गया, कंपोनेंट के बारे में चार चीज़ें बताई गई जो कि बहुत अच्छा लगा। किसी भी कंपोनेंट को हम पहचान सकते हैं, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी टेस्टिंग क्या है और उसका फॉल्ट कंडीशन क्या है, ये भी मुझे बताया। सही है कि नहीं? सही है। तो यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको कैसा लगा? बहुत बेहतरीन है सर। बोर्ड में जो भी ऐसा कुछ भी सर, कुछ भी लाइव है सर, कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के बारे में, उसका वर्किंग क्या है, उसका टेस्टिंग क्या है, उसका फॉल्ट कंडीशन क्या है। जी सर। तो ये पहले था नॉलेज था? नहीं सर। कैसी रही ओवरऑल क्लास? बहुत बढ़िया था।
सुधीर तनपुरे, मैं महाराष्ट्र पुणे से। तो बताइए दूसरे दिन में क्या क्या किया आपने? सीपीओ रिबॉल किया, ईएमसी रिबॉल किया, रेस्ट अपना कंपोनेंट का पूरा नॉलेज मिला आज। हाँ कर पाएंगे, कर पाएंगे पक्का, फुल फुल बहुत अच्छे रहे, बहुत नहीं नहीं बहुत अच्छी तरह से समझा था, नहीं नहीं पूरा पूरा चेक कर, नहीं 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 वो बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छा लगा देव सर। हाँ मस्त चालू करें। यस सर। 22 मार्च की जोशीली टीम, यस सर, जोश, यस सर, है जोश, यस सर। तो भाई आज क्या क्लास थी हमारी? आईसी का कंपोनेंट नॉर्मल 4G भी बनाया आपने, MC भी बनाया, यस सर, पावर भी बनाया, यस सर, कोई सी ऐसी छोड़ी? नो सर, सब स्टेंसिल से बनाया सर, यूनिवर्सल स्टेंसिल, यूनिवर्सल से, यस सर। किसी ने प्रॉपर स्टेंसिल का इस्तेमाल किया? नो सर। किसी ने क्या किया? नो सर। आपने? नहीं सर। आपने? नो सर, नो सर। सबने यूनिवर्सल स्टेंसिल से बनाया? यस सर, यस सर। तो सबका डन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, सबका डन हुआ। यस सर। चलिए ठीक है। और आपके बाद में थी कंपोनेंट 2 की क्लास? यस सर। कंपोनेंट 2 की क्लास किनके साथ थी आपकी? देव सर के साथ। तो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों क्लियर हुए? यस सर, कंप्लीट। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मेरे को पूरी पीसीबी ट्रेस करा के जीआर सहित बता दो तो कौन कौन बता सकता है? सर, सब बता सकते हैं? यस सर, कॉन्फिडेंस के साथ। यस सर। और फिर उसके बाद आपका पूरा प्रैक्टिकल का समय मिला आपको? यस सर। कितने घंटे का समय मिला आपको प्रैक्टिकल का? 5-5 घंटे पूरा कंटिन्यू? यस सर। और लास्ट में जाते जाते क्या किया आपने? पावर आईसी उठाई आपने, डीआर नोट करा उसका? यस सर। और कल क्या लगाएंगे आप? पावर आईसी। कौन से मोबाइल से? चालू मोबाइल से। की पैड पे लगाओगे क्या? नहीं, 4G। कौन कौन लगाएगा? सर, सब लगाएंगे। तो जनता को हम बताएंगे कि हमने लगा लिया। आप उसके साथ जैसे ही मोबाइल चालू होगा आपका रिव्यू देंगे, आप रिव्यू देंगे। अब्दुल, आज तक असेंबली पकड़ा था आपने? नहीं सर, कभी भी नहीं पकड़ा। अभी भी नहीं पकड़ा? नहीं सर। और अभी क्या करके बैठे हो आप? अभी मैं आपका पावर एसी लगा के रिपोर्ट करके बैठा हूँ। लगाया, फिक्स करा दिया, फिक्स करा। हाँ, फिर रीडिंग भी आ गया सेम। और कल क्या लगाओगे चालू बोर्ड से? कल चालू बोर्ड से हम लोग ऐसे ही उतार के फिर लगा डन करोगे? यस सर। बताओगे इनको? यस सर, वो कर देंगे। तो ईशा टेलीकॉम जो बोलता है वो करता है? यस सर, यस सर। तो शुरुआत करूंगा मैं आपसे। हाँ, तो आज हमारा क्या क्या क्लास था हमारा, थोड़ा बताइए। सर, सुबह में हम लोगों ने एक डबल डेकर प्रोसेस सीपीयू बनाया, फिर रैम बनाई, वो सब कंप्लीट किया। फिर दोपहर के बाद में कंपोनेंट की क्लास थी। कंपोनेंट में आज के दो अलग से कंपोनेंट थे, उनको कंप्लीट क्लियर किया। और दोपहर के बाद में फिर से प्रैक्टिकल अभी तक हमारा चल रहा है। फिर पावर आईसी भी हम लोगों ने रिवॉल्व करके फिर से बोर्ड पे लगाई। रिजल्ट मिला? परफेक्ट सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मैं बताइए। बोलिए। हाँ बताइए। मेरा नाम सुमन प्रावण है, वेस्ट बंगाल सर। सुबह में आज पावर आईसी रिबल किया, सीपीयू रिबल किया, डबल टेकर और रैम भी, रैम भी रिबल किया। डुअल टेकर कौन सी स्टेंसिल से किया? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, बड़ी बात है भाई, दूसरा दिन यूनिवर्सल से डुअल टेकर रिबल कर रहे हो। यस सर। तो नॉलेज सही मिल रहा? सही, पक्का। देव सर से क्लास था? आउट सर। उसके बाद फिर आपने पूरा प्रैक्टिकल में पूरा कंपोनेंट काम किया? यस सर। बोर्ड के कोई से भी कंपोनेंट आपसे पूछे तो आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर। आपको प्रोसेस मालूम? यस सर। सर, मेरा नाम विजय है, मैं गुजरात से हूँ। जी, सुबह में मेरी क्लास प्रैक्टिकल थी। सुबह में डबल टेकर किया, पावर आईसी किया, ठीक है, दूसरी दो भी आईसी की। और इसके बाद सर से थियोरी थी। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, मैंने बोला और इजी ट्रिक बताई कैसे सबको ढूंढ दे। अब बोर्ड
देखने का नजरिया बदल गया है सर। ऑपोनेंट सब रिश्तेदार लग रहे हैं सर, जो बोला था वो किया जी सर। इसके बाद फिर वापस प्रैक्टिकल की क्लास आई थी, तब हमने पावर आईसी लगाई थी, निकाल के वापस जीआर मापा था सब कुछ। कल क्या करोगे लाइव? जी सर करूँगा लाइव फोन से पावर आईसी ऑन। फोन को डेट करोगे, डेट फोन की पावर निकालोगे, रिवॉल्व करोगे और फिर से लगाओगे? जी सर। ला के उसको जिंदा करोगे? जी सर पक्का। जी यूपी से आस्तु दीक्षित जी। सुबह आए हमने यूनिवर्सल स्टेंसिल तेना सीपीयू रिवॉल्व किया, पावर रिवॉल्व किया, उसके बाद कंपोनेंट की क्लास थी जिसमें कि हमारी क्वाइल और डायोड की क्लास थी, जिसमें क्वाइल तो अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि एल से शो करता है, लेकिन आज दूसरी भी टिक जानी हमने बी भी से शो करता है, और दूसरी चीज़ डायोड, डायोड के कई कार्य देखे हमने, सीरीज में भी देखे, पैरेलल में देखे, बहुत डीप नॉलेज मिला जी पूरा। लास्ट में आज जी आर लिया सर, चालू फोन से पावर निकाल के दोबारा लगाएंगे, फोन चालू करेंगे 4G फोन में। तो हमारे साथ स्टूडेंट है नितिन मरणार्थर बनारस से, आज सुबह हम लोग 8 बजे आए और डबल डेकर सीपीयू और पावर आईसी सब कुछ रिवॉल्व किए हैं, और उसके बाद देव सर की क्लास थी जिसमें सारे कंपोनेंट हम लोग पढ़े, उसके बाद जो पढ़ाए थे आप सर उसका पूरा प्रैक्टिकल कराएं, अभी पूरे बोर्ड से मतलब पावर आईसी निकालें, अच्छे से निकाल के फिर रिवॉल्व करके फिर लगाएं, जो रीडिंग मिला था निकलने से पहले निकलने के बाद ही मिला मतलब लगाने के पे एकदम। एशिया टेलीकॉम कुछ भी करा देगा। वेस्ट बंगाल से राना जाना, आज सुबह से मैं डुअल डेकर सीपीयू एमएमसी रिपेयर रिवॉल्व किया, देन दोपहर में देव सर से कंपोनेंट की क्लास की आउटस्टैंडिंग क्लास, देन अभी आकर प्रैक्टिस भी किया कंपोनेंट के साथ। हाँ 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 सीरीज का होगा, पैरेलल का होगा, रजिस्टर का कैसा काम है, टेस्टिंग कैसे, क्या एक ही टेक्निक से पूरा कंपोनेंट चेक कर सकते हो? वो कला है। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है सुधीर से। सुधीर हाँ। बताइए सुधीर, आज का दिन आपके लिए कैसा रहा? एकदम बढ़िया रहा। आप फ्री रहे कि काम कुछ करा? नहीं, एकदम काम किया, काम में दिन जो है खत्म हो गया है। सवेरे कितनी बजे आया था? 8 बजे। अभी समय क्या हो रहा है? 10 बजे। 10 बजे टेलीकॉम बोलता है कि यार वो 12 घंटे पढ़ाता तो पढ़ाता है 12 घंटे पढ़ाता है, 14 घंटे भी आ गया, 14 घंटे पढ़ाता है, 14 घंटे सर। चलो 12 घंटे की बात एकदम बढ़िया प्रैक्टिकल, एकदम बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं नमस्कार सर, मैं गुजरात से विष्णु सिंह सर। अच्छी सर, सुबह हमने डबल डेकर सीपीयू को रिबॉल किया, सिर्फ 1 मिनट में सर रिबॉल कर दिया। जो एशिया टेलीकॉम बोलता है वो सर सब करके दिखा दें सर, और उस कॉन्फिडेंट से सर, अच्छे से, बहुत अच्छे से सर। हाँ देव सर के साथ डीप नॉलेज की ट्रीटमेंट थी सर, बहुत अच्छे से सर, और देव सर जो पढ़ाते हैं ना वो अच्छे से पढ़ाते हैं सर। उसके बाद प्रैक्टिकल हाँ जी सर, कंपोनेंट देखने का नजरिया कैसा है? अच्छा सर, एकदम कॉन्फिडेंट। हर चीज की डिटेल में जानकारी है? हाँ जी सर। जीआर वोल्टेज ओके, क्या काम है इसका? हाँ जी सर, कंपोनेंट के एकदम इसमें लगाया तो क्या काम है, पैरेलल में लगाया तो क्या काम है, कॉइल कितने टाइप की आती है, डायोड कितने टाइप का आता है आपका? हाँ जी सर। कैपेसिटर कितने टाइप के लगे हैं? नॉन पोलर, हां पोलराइज्ड नॉन पोलर। हां जी सर। मेरा जी राजस्थान से। हां जी, सुबह के टाइम हमने यहाँ के सीपीयू डबल डेकर रिवॉल्व किया और पावर आईसी रिवॉल्व की और अन्य आईसी भी रिवॉल्व की, उसके बाद हमारी देव सर के साथ क्लास रही थ्योरिकल में, बहुत अच्छे हमें नॉलेज मिली,
जिसका नहीं सोचा तो उससे भी कहीं ज़्यादा मिला। उसके बाद हमें प्रैक्टिकल कराया गया और इस चीज़ के विषय के बारे में गहनता से अध्ययन किया जाता है। बराबर, बहुत अच्छा लगा जी, कैसे टेलीकॉम ज्वाइन करके। थैंक यू। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है हरदीप सिंह पंजाब से। हरदीप सिंह पंजाब। हरदीप, आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत काम किया, बहुत काम किया। बता दो जनता को काम क्या क्या किया आपने? रैम रिवॉल्व किया, सीपीयू रिवॉल्व किया, तो पावर आईसी उखाड़ के लगाया है, ठीक है, 4G सेट से और चलते सेट से और सर कंपोनेंट की क्लास थी देव सर के साथ, बहुत अच्छी लगी। अच्छा। अभी हम फाइंड कर सकते हैं सभी कंपोनेंट को, सभी कंपोनेंट फाइंड जी, कोई दिक्कत होगी क्या? नो, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर, मैं सोनू हरियाणा से। हाँ जी सोनू, तो बताइए आज के क्लासेस के बारे में बताइए। आज आप सवेरे 8 बजे से आए और अभी 10 बज रहे हैं, क्या किया? सर सुबह सुबह 8 बजे आए, उसके बाद पहले डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व कराए यूनिवर्सल एक्सटेंशन से, फिर पावर करे कॉलकॉम सीपीयू करा और रैम भी करा, फिर उसके बाद हमारी कंपोनेंट्स की क्लास हुई जी, जो सारे कंपोनेंट्स क्लियर हो गए जिसके बारे में हम जानते ही नहीं थे। सिर्फ हमें ये पता था कि बीप बज रहा है तो उसे उखाड़ना है। क्या लेवल से पढ़ाया सर? क्या जीरो लेवल से, बिल्कुल बिल्कुल जीरो पे रख के पढ़ाते हैं सर? यस सर। आपको कुछ भी नहीं आता इस जीरो लेवल पे? यस सर। है ना, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिकल कराया पूरा सर? किस लेवल से करा? किस लेवल से करा? मतलब आप यहाँ पर भी आए थे तो आपने सारी ट्रेसिंग करी कि नहीं करी? यस सर। अगर मैं सारे कंपोनेंट की बात करूँ तो आप सब कंपोनेंट का नाम, काम और रेडिंग क्या होती है, कैसे लगाया, सीरीज में लगाया, पैरल में लगाया, पैरल में कैसे चेक करना है, सीरीज में कैसे चेक करना है, पता है आपको? यस सर। हमारे साथ स्टूडेंट है। मेरा नाम सूरज, दिल्ली से। हाँ सूरज बताइए। सर सुबह 8 बजे आए, 8 बजे आके यूनिवर्सल एक्सटेंशन से सीपीयू रिवॉल्व करी, पावर आईसी रिवॉल्व करी, उसका देव सर के साथ क्लास थी कंपोनेंट की, सारे कंपोनेंट की जानकारी दी, जो बाकी थे वो भी दे दी। उसके बाद प्रैक्टिकल की क्लास आई, प्रैक्टिकल में हमने पावर आईसी उतारी बोर्ड में से और लगाई। तो कंपोनेंट की बात करूँ मैं तो सर सारी नॉलेज दे दी कंपोनेंट की। अभी कोई डाउट है ना? नहीं सर, कंपोनेंट को लेकर कोई डाउट नहीं। जी मैं सोनू सर हरियाणा से। सुबह हमने प्रैक्टिकल क्लास की और रैम और सीपीयू को रिवॉल्व करके उसको चालू किया और देखा था, और फिर दोपहर को सर की प्रैक्टिकल देव सर की क्लास लगी जिसे हमने बहुत से अच्छे से कंपोनेंट्स को बताया गया, और फिर हमें अभी शाम की टाइम पे हमने आईसी को रिवॉल्व किया और दोबारा उसके चालू फोन में लगा के उसको चेक किया। ये सारी चीज़ें आप यही बोल रहे हो कि वाकई में करा? नहीं, वाकई में किया सर, एशिया टेलीकॉम करा था। मैं गुड्डू बिहार समस्तीपुर से। सर सुबह 8 बजे आए, मैंने डुअल टेकर सीपीयू रिवॉल्व किया, पावर आईसी रिवॉल्व किया मल्टी यूनिवर्सल एक्सटेंशन से। हुआ कि नहीं हुआ? सर फर्स्ट क्लास तरीके से, परफेक्ट सर। कोई 2-4-5-10 बार करना पड़ा? नहीं सर, एक बार में। एक बार में? अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद देव सर के साथ क्लास, कंपोनेंट की क्लास चली सर, उसमें भी बहुत डीप लेवल का नॉलेज दिए सर। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्लास हुआ, प्रैक्टिकल तो सर कैसा लगा? बहुत अच्छा। कोई चीज़ का डाउट है क्या? नहीं सर, कंपोनेंट के बारे में पूर्ण जानकारी। यस सर, सभी कंपोनेंट के बारे में। यस सर, चलिए थैंक यू। सर मेरा नाम तो मैं सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। सुबह 8 बजे सर क्लास में चालू हुआ था सर। MD सर के ट्रिक्स से सर हम स्टेम सेल्स, यूनिवर्सल स्टेम सेल्स से CPU, पावर आईसी ग्लास वाली सर, और ड्यूल लेकर आईसी, और सर EMMC रिवॉल्व के सर, और देव सर के सर कंपोनेंट के सर सारी जानकारी और डीप नॉलेज से सर। उसके बाद सर MD सर के सर फिर से प्रैक्टिकल सर रात के 10 बजे तक। अभी कंपोनेंट को लेके कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत? सारे क्लियर है आपके? सारे क्लियर है सर। क्या काम होता है, क्या रीडिंग होती है, कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, इसका काम क्या है? सारे क्लियर है। सारे प्रकार के डायोड मालूम है आपको, क्वाइलें सारी प्रकार की मालूम है, नेटवर्क में कौन सी इस्तेमाल होती है, बूस्ट के लिए कौन सी क्वाइल होती है, बक के लिए कौन सी क्वाइल होती है, बीक क्वाइल क्या होती है, सारा नॉलेज आपको? थैंक यू। शिव शर्मा पंजाब से। हाँ जी सर, आज सुबह प्रैक्टिकल क्लास हुई थी जिसमें से ड्यूल डेकर, रैम, CPU और पावर आईसी रिवॉल्व तक हमने की, और उसके बाद सर देवरा संसद के सर सभी को तरह के कंपोनेंट की जानकारी दी उन्होंने, सारी A to Z सारे कंपोनेंट A to Z सब मिल गए,
जो भी जानकारी चाहिए थी सब समझ दी। उसके बाद शाम को फिर से प्रैक्टिकल किया, पावर एसी रिवर करके हमने फोन डेड फोन को उसमें लगाया और बिल्कुल सही बना। बस कंपोनेंट्स को लेके कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन? नो सर। वो तो बताओ फिर। नो सर बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रकार? नो सर बिल्कुल क्लियर है। यस सर बिल्कुल, थैंक यू। सर मैं अब्दुल खान आसाम से। हाँ जी सर, सुबह सुबह आके रास्तों पे दो बार हुआ मेरा मोबाइल पकड़ने के लिए, किसी भी देखा नहीं हुआ फर्स्ट टाइम। तो आज मैंने पावर ऐसे रिवोल करके मतलब दिखा दिया और वो ओके भी हो गया। उसके बाद डुअल डेकर भी किया सर आज, और दोपहर को सर देव सर से क्लास था जो कंपोनेंट्स के बारे में नॉलेज दे रहे थे, तो मुझे अभी पूरा मालूम हो गया कि किसे डायोड कहते हैं, तो कैपेसिटर कहते हैं जी। इनको देखने से मुझे पीसीबी में पीसीबी बोर्ड में मालूम हो जा रहा है। अगर रीडिंग की बात करूं मैं, जीआर की बात करूं, वोल्टेज की बात करूं, यस सर यस सर, सब चीजें जी सर पैरेलल में है ना, वो सीरीज में लगा हुआ है। लास्ट में सर मैंने आपने हमें पावर आईसी को माउंट रिबाउंड, हाँ जी माउंट और रिबाउंड किया और उसका रीडिंग भी सेम निकला सर, निकलने से। थैंक यू। चलिए, मेरा नाम प्रशांत रेड्डी है तेलंगाना से। जी सुबह आके हम यूनिवर्सल एक्सटेंशन से आईसी रिवॉल्व कर लिया, ग्लास का आईसी भी रिवॉल्व कर लिया और ड्यूअल डेकर भी कर लिया, और आफ्टरनून देव सर से अच्छा से क्लास ले लिया कंपोनेंट्स के लिए, और शाम को जो एमडी सर से प्रैक्टिस मिला उसमें जो डेड बोर्ड से आईसी रिवॉल्व कर निकाला और लगा लिया भी सेम जीआर आया, जो अच्छा से क्लास चल रहा, अच्छा से प्रैक्टिस भी हो रहा। 6 घंटे की क्लास की 8 घंटे की प्रैक्टिस मिल रहा, अच्छा है। ये बताओ मेरे को कि कल क्या करने वाला? कल जो लाइव बोर्ड से सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके पावर निकाल के रिबॉल करके फिर चिपकाना है या ऑलवेज। मैं तो किशोर कुमार साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सर। आज सुबह हम लोग 8 बजे आए और 8 बजे जैसे ही आए हमें ड्यूल डेकर पे काम किया, उसकी आईसी को रिवॉल्विंग किया, उसके बाद क्रिस्टल आईसी की, क्रिस्टल आईसी के बाद में हमने किया पावर आईसी किया, पावर आईसी के बाद देव सर का क्लास था दोपहर को जिसमें उन्होंने कंपोनेंट के बारे में हमें डीपली समझाया। उसके बाद अभी शाम को अभी हम लोगों ने पावर आईसी का जीआर चेक किया और उसे निकाल के फिर से लगाया और वही सेम जीआर हमको फिर से वापस मिला। कैसा लग रहा है सफर? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, धन्यवाद। मैं अक्षर सिंह बिहार से हूँ सर। आज सुबह सुबह मैंने डुअल डेकर सीपीयू को रिवॉल्व किया, वो भी ये मल्टी यूनिवर्सल इंस्टेंट, और उसके बाद फिर सीपीयू को रिवॉल्व किया, उसके बाद फिर पावर आईसी को रिवॉल्व किया, और उसके बाद फिर देव सर के साथ क्लास हुआ जिसमें कि कंपोनेंट के बारे में डीपली जानकारी मिली। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल क्लास शुरू हुआ जिसमें कि ये फोन से पावर आईसी निकाल के दोबारा लगाए, और फिर कल जो है कि फोन से पावर आईसी निकाल के फिर उसको ऑन कर। तो कैसा लगा ये सफर क्या आपको? बहुत अच्छा लगा सर। तो इसके ऊपर कुछ है क्या 2 दिन में इतना सब कुछ? नहीं बताइए मेरे को सर। सर एशिया टेलीकॉम में संभव है और कहीं नहीं। कल क्या करोगे आप? पावर आईसी निकाल के ऑन फोन का फिर से ऑन करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम राजेंद्र है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। हाँ जी मैं सुबह 8 बजे से जब आया जो उससे रिपेयरिंग हुआ, 12 बजे से रिपेयरिंग हुआ, मल्टी डेकर रिपेयरिंग भी किया, 12 बजे भी रिसीव किया, और सर के साथ जब सर के साथ दोपहर को कंपोनेंट का क्लास था, कंपोनेंट का क्लास है क्या, फिर शाम को गर्म करने का था 12 बजे को उससे लगाए, मैं को लगाए और चालू करके देखा। कैसा लगा सब? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। नमस्कार, कैसा लगा आपको ये आज दूसरे दिन की क्लास? दूसरे दिन की क्लास में क्या क्या अचीव करा आपने? आज डुअल डेकर आईसी रिवॉल्व किया। हाँ चाहो तो आप उड़ीसा में बोल सकते हो। परमिश बोलिए आप अपनी भाषा में।
आज डुआल टेकर आईसी रिवोल्व कले आउ पावर आईसी रिवोल्व कले बढ़िया लगे बहुत सुविधा रिवोल्व कर देले तापर देव सर के सेतर क्लास थिला कंपोनेंट विषय रो बहुत बढ़िया बुझेले जी कोन प्रैक्टिकल करले 5टा रु 10टा बजला जी बहुत सारा प्रैक्टिकल करले पावर आईसी उठे भी कोन रिवोल्व करके लगेले सक्सेस भेले कैसा लग रहा है सब करके बहुत बढ़िया थैंक यू थैंक यू मैं राजकुमार दास महाराष्ट्र राजकुमार दास महाराष्ट्र से हाँ जी सुबह 8 बजे जी आने के बाद सर डबल डेकर रिवॉल्व किया यूनिवर्सल एक्सटेंशन से उसके बाद सर कंपोनेंट्स 2 की क्लास थी देव सर के साथ कंपोनेंट्स की क्लास में बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिला सर जी. मेरे पास इसके पहले कुछ जानकारी नहीं था सर कंपोनेंट्स के बारे में और फिर बाद में उसके बाद सर प्रैक्टिकल क्लास था जिसमें हमने पावर आई सी रिवॉल्व करके लगाया उस कंपोनेंट का सारा प्रैक्टिकल हुआ हाँ सर क्योंकि बोर्ड में एक चीज ढूंढी अपनी हाँ सर डीपली की डीपली हाँ सर अभी जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं आपके पीसीबी में आपको अगर पूरी पीसीबी दे दूँ तो सारे कंपोनेंट आप चेक कर सकते हो कितना समय लगेगा आपको चेक करने में 10 मिनट हाँ सर सारे कंपोनेंट चेक कर लोगे वो ट्रिक है आपको कि एक ही मेथड से आप सारे कंपोनेंट को मल्टीमीटर से एक ही मेथड पर रख के सारे कंपोनेंट चेक कर सकते हो सर एक ही मेथड से चेक कर सकता हूँ थैंक यू जी मेरा नाम राम सकल मौर्या जी हूँ सर जी सुबह आके सर ने सीधा मैं अपने पावर आईसी का रिबोर्डिंग किया हूँ अपना डबल टेकर का वो रिबोर्डिंग किया हूँ फिर देव सर के बाद बैठ के कराई डायोड का पॉइंट का रिलेटर के बारे में पूरा बताए सर जी और उसके बाद अभी लास्ट में क्या पावर आईसी उठा के ऑफिस से कैसा लग रहा है सर अच्छा लग रहा है सर पहली बार आएगा तो पकड़ा अच्छा कंपोनेंट 2 की क्लास की आज आपकी कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिक्कत परेशानी क्लियर है सब ठीक है थैंक यू मेरा नाम राज डुअल डेकर आईसी लगाया मैंने माइक से रिबॉल किया और पावर आईसी लगाया और कंपोनेंट के बारे में जाना कंपोनेंट्स के बारे में आप कंपोनेंट्स के बारे में कोई डाउट है किसी प्रकार का सब ऑल क्लियर कितने घंटे अपन ने प्रैक्टिकल करा इसका आज सुबह से तो इधर ही है टाइम में बहुत प्रैक्टिकल थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल हुआ तो संतुष्ट है प्रैक्टिकल से उसके बाद फिर आपने क्या किया अभी लास्ट में अभी पावर एसी लगाया भाई पावर एसी लगाया सारा जी आ रहा है आपका और कल क्या करोगे मैं कल लाइव फोन में पावर एसी निकाल के पावर एसी निकाल कैसा लग रहा है आपको जी मैं सुधीर धनपुरे महाराष्ट्र से हाँ जी सुधीर सुबह 8 बजे आने के बाद पावर आईसी सीपीयू एएमसी रिबॉल किए फिर देव सर ने अपना कंपोनेंट का नो ये किया अपना ये थेरी ली जी बाद में 8 घंटा ये हो गया अच्छा आईसी तो अभी कोई कंपोनेंट को लेके कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम कोई नहीं कोई क्लियर है ऑल कंपोनेंट क्लियर है कैसा लग रहा है मतलब सारी पीसीबी के कंपोनेंट अब तुम्हारे जाने पहचाने लग रहा है पीसी देखने पे समझ में आ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट क्या करता है कुछ क्या काम है उसका वो सब मालूम होने लगा है अच्छा प्रैक्टिकल का पूरा समय मिलता है समय हाँ 8 घंटे हेलो नमस्कार जी आज सुबह 8 बजे से हम क्लास में आए सुबह 8 बजे आने के बाद हमने यूनिवर्सल टेंशन से सीपीयू डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व किया उसके बाद पावर आई से रिवॉल्व किया और उसके बाद देव सर के साथ क्लास हुई जिसमें उन्होंने सारे मोबाइल के कंपोनेंट के बारे में बताया अच्छा और लास्ट में क्या किया अभी आपने अभी लास्ट में प्रैक्टिकल में वो सारे कंपोनेंट कैसे रीड करते हैं क्या करते हैं और उसके बाद उसके काम क्या है हाँ सारी चीज़ की जानकारी लगी अगर आपको अब कंपोनेंट देखने का नजरिया कैसा है आपका बहुत अच्छा चलिए और लास्ट में आपने क्या किया अभी लास्ट में लाइव फोन से एक पावर ऐसे निकाल के वापस उसको बिठाया चलिए ठीक है थैंक यू थैंक यू चलिए मेरे साथ स्टूडेंट है गौरव उत्तर प्रदेश से तो गौरव आज आपकी दूसरे दिन की क्लास कैसा रहा आपके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहा सर और आज सुबह आके फर्स्ट हमने डबल डेकर को किया उसके बाद पावर आईसी किया उसके बाद सर के साथ कंपोनेंट लेवल पे क्लास चला है और अभी इस टाइम तक मतलब किसी भी फ़ोन की पीसीबी को फोन में जो कंपोनेंट लगे उनको देख के
और विद इन सेकेंड मतलब उसका वर्किंग, उसका थर्ड कंडीशन, उसका मतलब यानी सब कुछ बता सकते हो? सब कुछ बता सकते हो जी। नजरिया बदला कंपोनेंट देखने का? बिल्कुल सर। अच्छा, और स्किल की बात करूँ तो आज आपने डुअल डेकर सीपीयू भी रिवॉल्व किया है, रैम भी रिवॉल्व किया है, वो भी यूनिवर्सल स्टेंस से। जी, डेढ़ मिनट में सर फोन से निकाल के आईसी वापस रिवॉल्व करके लगा दिया, डेढ़ मिनट के अंदर अंदर सर। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा सर। थैंक यू। मैं सतीश छत्तीसगढ़ से। हाँ जी, हम लोग सुबह आकर के आज जो है सीपीयू डुअल डेकर का सीपीयू जो रिवॉल्व किए, 4G सीपीयू रिवॉल्व किए, पावर आईसी रिवॉल्व किए, उसके बाद देव सर का कंपोनेंट का क्लास था उसको जी में जाने, उसके बाद फिर से क्लास उठने के बाद जो है हम लोग प्रैक्टिकल किया, उसे फिर अच्छे से प्रैक्टिकल किया, कंपोनेंट JR लिए, टेस्ट किए पूरी तरह से। अच्छा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, पूरा दिमाग में आ गया। जी, तो तुम तुम्हारी बात करोगे, पूरी क्लास की बात करोगे? पूरी क्लास की बात। चलिए ठीक है सर। और उसके बाद जाते जाते क्या क्या? जाते जाते हमने सेट से पावर से माउंट रिमाउंट किया। ठीक है, तो रिजल्ट मिला आपको? जी सर। और कैसा लग रहा है सब करवा? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं राजेश्वर दीवान छत्तीसगढ़ से। हाँ जी, राजेश्वर ये बताइए आप दूसरा दिन जी क्या दूसरे दिन? सर मैं चार्जिंग की तक सीमित था सर, और यहाँ आने के बाद आज बोर्ड पकड़ा हूँ, जितने भी मतलब जो पार्ट्स लगे होते हैं जी उनकी जानकारी हुई, उनका रीडिंग भी किया, और साथ ही आज सुबह 8 बजे से मैं डबल डेकर सीपीयू को रिकॉल किया हूँ, पावर एसी रिकॉल किया हूँ, और अभी एक मतलब चलते बोर्ड से मैं एक पावर एसी निकाला हूँ, और तो फिर से कैसा लग रहा है सब करके? अच्छा सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं तो ये बोलूँगा छत्तीसगढ़ वाले को, कोई मतलब अगर वो यहाँ आने का सोच रहे हैं, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आना चाहिए। जी सर, जी सर, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए सर, बेशक आना चाहिए। चलिए जी सर। हाँ सर, मैं नेपाल से हूँ, और हमने सुबह के 8 बजे 5 बार EMMC रिवॉल्व किया सर, तब जाके डेव सर से क्लास हुई, एकदम डीप नॉलेज मिला सर। EMMC रिवॉल्व किया कि डुअल डेकर? डबल डुअल डेकर भी किया सर, और EMMC भी किया। अच्छा, और अभी कितना बजा है? अभी 10 बज रहा है, अभी हमने 4G IC को रिवॉल्व करके लगाया सर, सक्सेस हो गए। अच्छा, कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 की क्लास एकदम बेस्ट रही सर। बेस्ट रही। हाँ, और मैं ये बोलता हूँ कि जितना लोग नेपाल से आ सकते हो, मेरा नंबर है 9811164406, इसमें डायल करके या व्हाट्सअप करके आ सकते हो, एकदम मस्त से यहाँ पर सभी क्लास दी जाती है, मैं एकदम संतुष्ट हूँ सर। थैंक यू। अस्सलाम भाई लोगों, मैं इंदौर से हूँ, मेरा नाम इरफान शेख है, मैं रमजान महीने में यहाँ पर आया हुआ हूँ, काफी कशिश के साथ में एशिया टेलीकॉम को थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी आए और डीप अच्छे से अच्छा नॉलेज लें यहाँ पर। बताओ मेरे को कि 2 दिन में क्या सर? दो मेरे को लोगों ने बोला था कि वो 2-4 दिन में सिखाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि 2 दिन में मेरे को बदल दिया उन्होंने। मतलब जब हम लोग मोबाइल खोलते थे दुकान पे, तो पहले चार्जिंग सॉकेट तक के सीमित थे, रिंगर तक के सीमित थे, और छोटी मोटी जो भी देते थे छोटे मोटे कंपोनेंट वगैरह को पहचान लेते थे। इसके बाद में आप मोबाइल को बस खाली कस्टमर को संतुष्ट ही कर दें, दे देते हैं भैया ये नहीं सुधरेगा, ये CPU गया जो बनता ही नहीं है, यानी एक झूठ बोलने का वर्किंग करते थे हम लोग। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, वो बिल्कुल गलत करते थे, और एशिया टेलीकॉम देव सर MD सर की सुपर ट्रिक IC बनाने की जबरदस्त अमेजिंग चीज़ें मिली यहाँ पर, मतलब जो आप लोग सोच नहीं सकते वो मिलेगा। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अपन कंपोनेंट पहचानते हैं, यार ये काला ये भूरा, मतलब मैं उस नॉलेज की नहीं, यहाँ आने से पहले के नॉलेज वाली बातें बता रहा हूँ, कि पहले क्या अपन भी बोलते थे उन्होंने कि भाई काला कंपोनेंट है, सफ़ेद है ये वो, सफ़ेद को तो पहचानते ही नहीं थे ये चीज़ क्या है। आज यहाँ आने के बाद में देव सर की क्लास करने के बाद में, मतलब रजिस्ट्रेशन बोलते हैं सब, लेकिन वास्तव में होता है रजिस्टर, वो चीज़ सीखने को मिली। उसके बाद में क्वाइल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली, और अपडेट वर्जन में उनने नए कंपोनेंट ऐसे बताए जो 5 साइड से वर्किंग का बताया उसमें,
कि आप उसको देख के ही नहीं पहचान पाओगे नए लोग कि ये क्या चीज लगा दी उसको। कई लोग तो आईसी बताएंगे, लेकिन उन सर ने हमको इतना बढ़िया तरीके से वो चीज समझाई कि वास्तव में लगा कि यार ये तो वास्तव में एडवांस हो गए, हम एडवांस पे चले गए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू इरफान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।